हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इट से दैट टू रोड्स आर जॉइन एंड टू एंड एज शोन इन द फिगर। बोथ हैव क्रॉस सेक्शन एरिया 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ईच इज 1 मीटर लॉन्ग। वन रॉड इज मेड ऑफ कॉपर हैविंग रेजिस्टिविटी 1.7 10 टू पावर -6 ओम इनटू सेंटीमीटर एंड द अदर इज मेड ऑफ आयरन विद रेजिस्टिविटी 10 टू पावर -5 ओम इनटू सेंटीमीटर। How much voltage is required to produce a current of 1 ampere in the rod? ये डायग्राम गिवन है, इसमें दो कॉपर और आयरन के रॉड सीरीज में कनेक्ट है। कर्नाटका नीट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसको सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा रेजिस्टेंस इन कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2 और रेजिस्टेंस हम लिखते हैं रो एल अपॉन ए। एल अपॉन ए तो कांस्टेंट है, यहाँ पर रो 1 प्लस रो 2 हम यहाँ पर पुट कर देंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर गिवन इंफॉर्मेशन का। तो इसमें एल जो है लेंथ वो दिया हुआ है 1 मीटर, एरिया गिवन है 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर, या हम बोल सकते हैं 10 टू पावर -6 मीटर स्क्वायर। रेसिविटी जो है रो 1 वो गिवन है यहाँ पर 1.7 इंटू 10 टू पावर -6 ओम सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू पावर -8 बन जाएगा। इसी टाइप से रेसिविटी सेकंड जो मटेरियल है उसका 10 टू पावर -5 गिवन है, तो 10 टू पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर के लिए, तो इट विल बी 10 टू पावर -7। ये सब वैल्यूज हैं, इनको हम इसको 10 टू पावर -8 फॉर्मेट में ही लिख लेते हैं। So it will be 10 into 10 to power minus 8। अभी given informations को हमें यहाँ पर put करना है। L A 10 plus 1.7 into 10 to power minus 8। तो यहाँ से 2 powers minus 2 power यहाँ remaining होगा and it will be 11.7। तो हम लिख सकते हैं 0.117 ये होगा RS। अब यहां पर इसमें वोल्टेज हमें बताना था 1 एम्पियर करंट के लिए। R इक्वल टू होता है V अपॉन I और करंट भी 1 एम्पियर है, तो वोल्टेज जो होगा वो यही हो जाएगा रीडिंग V विल बी इक्वल टू 0.117 वोल्ट। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने सीरीज कॉम्बिनेशन को यूज में लिया कॉपर और आयरन के लिए, बिकॉज ये लेंथ टू लेंथ कनेक्टेड थे। यहाँ पर रो 1 और रो 2 को मैनेज किया और उससे ये आंसर आ गया। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।